हेलो दोस्तों, मैं आप आज आप सबको ऑफलाइन में जो जितने वैकेंसी होती है, ऑफलाइन वैकेंसी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ आपको। तो ऑफलाइन वैकेंसी की आपको लोग को लगता होगा कि शायद एडमिट कार्ड नहीं आता है, क्या होता है। दोस्तों देखिए, ऑफलाइन वैकेंसी ऐसी होती है, एडमिट कार्ड आपका पहुँच जाता है, सब चीज़ आता है। इसका प्रूफ मैं आपको अंत में दूंगा। तो मैं बता दे रहा हूँ ऑफलाइन वैकेंसी होता क्या है। कि मान के चलिए, जैसे कि मान के चलिए आर्मी हेडक्वार्टर में वैकेंसी, मतलब आपको मान के चलिए चौकीदार की जरूरत है, मान के चलिए आपको बारबर की जरूरत है, मान के चलिए आपको मतलब ग्रुप सी पोस्ट जितना भी है वो सब की जरूरत है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, उसमें कभी कभी सेक्शन ऑफिसर कभी आता है, जो जिसका सैलरी लेवल ए, मतलब एक ए ग्रेड का होता है, उस टाइप का होता है। लेकिन मैक्सिमम पोस्ट आता है जो ग्रुप बी या ग्रुप सी का आता है। ए लेवल का चाहिए, मतलब ए लेवल के लिए उस टाइप से एजुकेशन भी चाहिए, मतलब उस टाइप से डिग्री भी चाहिए होता है, और एक्सपीरियंस भी थोड़ा चाहिए होता है। इसीलिए मतलब ये आईटीआई हुआ, 10 पास हुआ, 12 पास हुआ, ग्रेजुएशन वाला मैक्सिमम पोस्ट आते रहता है। तो मैं उसी का मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सबका एडमिट कार्ड आता है। दोस्तों संयम रखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ एडमिट कार्ड वो सबको आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, आप देख लीजिएगा फिर बताइएगा। देख लीजिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है? देख लीजिए उसके बाद। हाँ, रजिस्टर पोस्ट कीजिएगा। अगर पोस्ट ऑफिस से अगर रजिस्टर पोस्ट करते हैं तो आपको 25 से 27 रुपये, नहीं, 25 27 नहीं, आपको रजिस्टर, हाँ 25 से लगभग 30 25 उस टाइप से लगेगा। वो डिपेंड करेगा पोस्ट ऑफिस के ऊपर, मतलब डिपेंड करेगा वजन के ऊपर, कितना आपका जो ये है जो लिफाफा है वो, मतलब कितना वजन में इसमें डॉक्यूमेंट जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप स्पीड पोस्ट करते हैं तो 42 रुपया लगता है, 41.50 पैसा, 42 रुपया लग जाता है स्पीड पोस्ट के लिए, जिसमें आपका पोस्ट 3 दिन में पहुंच जाता है। और ऑर्डिनरी पोस्ट में आपका कोई गारंटी नहीं कि कब पहुंचे कब नहीं पहुंचे, इसीलिए ऑर्डिनरी पोस्ट का कोई भरोसा नहीं रहता है। तो इसीलिए आप देख लीजिएगा, उसके बाद ऑफलाइन वैकेंसी के मैं आपको अपडेट करूंगा, आप लोग डालिएगा। मैं फिर डाल भी दूंगा कैसे भरना है, कैसे क्या नहीं भरना है, मैं आपको डालूंगा भी वीडियो। लेकिन इसीलिए उसके लिए आप हमारे न्यूज़ चैनल है एक कैडेट्स कमांडर में, वहाँ वीडियो आएगा, तो भूलिएगा नहीं ये बात को, हमेशा चैनल का नाम याद रखिएगा कैडेट्स कमांडर, ठीक है? उसको याद रखने के बाद आप ये कीजिएगा, याद रखिएगा, मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ। मैं फिर भी एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, वो चैनल का नाम है कैडेट्स कमांडर, ठीक है? आप लोगों को वीडियो में आइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देख लीजिए, मैं दोस्तों मैं सब्सक्राइब के लिए तो नहीं करता हूँ, लेकिन आपका इच्छा। अब अगर आपको वीडियो सही लगे, देख लीजिएगा, आप वीडियो सही लगे, अच्छा लगे, बेस्ट लगे, तो मुझे पता है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, वो तो आपके ऊपर है। लेकिन मेन बात है, मेरा मोटो यही है कि मुझे, मतलब आप सबको बताना वैकेंसी क्या होती है क्या नहीं होती है, मैं आपको बताना, इसीलिए आप लोग उसको फिल कर कीजिएगा ऑफलाइन फॉर्म को। लेकिन हाँ, ऑफलाइन फॉर्म का ये होता है कि आपको एग्जाम, जहाँ का फॉर्म, जहाँ फॉर्म भरेगी वहाँ आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा। मान के चलिए उत्तराखंड का वैकेंसी, तो आपको उत्तराखंड जाना पड़ेगा। मान के चलिए आपको बिहार का वैकेंसी, तो बिहार के जाना पड़ेगा, ठीक है? तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ एडमिट कार्ड आता है या फिर नहीं आता है, आप देख लीजिएगा, ठीक है? मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये रहा दोस्तों हमारा एडमिट कार्ड, देख लीजिए ये एडमिट कार्ड है, आप देख सकते हैं, ये लिफाफा है जिन, देखिए इसमें लिख रहा है, अब देख लीजिए हमारा एडमिट कार्ड। फ्रॉम प्रिसीडिंग ऑफिसर BOO5 कमांड हॉस्पिटल SC पुणे महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र आया हुआ है, तो आप उनका देख सकते हैं, देख लीजिए आपका ये कलरफुल हो गया दोस्तों, क्योंकि ये लिफाफा में था ना, इसीलिए कलरफुल हो गया है। अब देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, कमांड हॉस्पिटल साउथर्न कमांड वनवारी पुणे, एडमिट कार्ड फॉर द पोस्ट ऑफ LDC, मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क का पोस्ट का हमने अप्लाई किया था और पुणे के लिए, देख लीजिए ये हमारा ये हुआ। और हमारा, हाँ, और एग्जाम डेट है, रिपोर्टिंग टाइम है 28/8/2022 सुबह, नो एंट्री आफ्टर 7:30 AM, देख लीजिए ये आपका ये है एड्रेस है, आप देख सकते हैं। और ये रहा आपका, ये रहा आपका, मतलब इंस्ट्रक्शन हुआ, अरे उमर बेस्ट में एग्जाम होगा, रीजनिंग मैथ GK इंग्लिश, देख लीजिए। लेकिन मैं तो जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा एक एग्जाम आ गया है, इसलिए मैं तो जा नहीं पा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। देख लीजिए हमारा एग्जाम डेट है 28/8/2022, देख लीजिए। इसका दोस्तों एडमिट कार्ड आता है, बिलीव रखिए, भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए, एडमिट कार्ड इसका आता है।
ये रहा दोस्तों हमारा एडमिट कार्ड, देख लीजिए ये एडमिट कार्ड है, आप देख सकते हैं ये।